बुलंदशहर से खबर है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हिंदू मंदिरों पर हमला और हिंदुओं की हत्या मामले राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम खुर्जा को ज्ञापन सौंपा। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर जगह जगह पर हिंदुओं पर हमले, घरों को लूटना, जलाना, मंदिर तोड़ना, मूर्तियां तोड़ना और हिंदुओं की हत्या को लेकर ज्ञापन दिया। भारत सरकार तुरंत बांग्लादेश के सेना प्रमुख से बात करके बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करें। बुलंदशहर के खुर्जा तहसील में जाकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आज खुर्जा में ज्ञापन दिया गया है, क्या है पूरा मामला? भाई साहब, मेरा नाम भूपेंद्र भाटी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। जैसा कि सभी के संज्ञान में है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अधिक अत्याचार हुए हैं, उनके साथ उनकी हत्याएं की गई हैं, मंदिरों को तोड़ा गया है, मूर्तियों को खंडित किया गया है, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया है। उसके विषय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए माननीय एसडीएम साहब द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें राष्ट्रीय बजरंग दल की कुछ मांगे रही हैं। क्या मांगे हैं? जैसे कि हिंदुओं को सुरक्षा की जाए और हमारे हिंदुओं को वापस हमारे देश लाया जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।